Hello friends, welcome to Shiva Learning. For more updates, you can also log into our website www.shivalearning.in. So friends, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक आज की जो न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, ये एक सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस इशू करा है उसके बारे में बताने वाला हूँ, और ये मेडिकल और जेई दोनों के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। तो चलिएगा, इस मैं देरी ना करते हुए इसको शुरू करता हूँ, और शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस चलिए मैं पढ़ के बताता हूँ, पहले मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ ये है क्या। द सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ सीजेआई गोगोई एंड जस्टिस संजीव खन्ना टुडे इशू नोटिस इन अ पेटिशन चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अनेबलिंग रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस इन हायर एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अप टू अ लिमिट ऑफ 10%। तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई हुई थी कि जो अभी 10% रिजर्वेशन आया था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, उसको किसी ने चैलेंज कर दिया था एनजीओ ने, और भी बहुत दो तीन जगह इसको चैलेंज कर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट में भी इसके खिलाफ याचिका दायर करी गई थी। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लियर नोटिस जारी कर दिया है और बोला है कि ये इसी साल से लागू होगा। और इसके बाद इसमें आगे लिखा है कि यूथ फॉर इक्वालिटी एनजीओ ने इसको चैलेंज करा था सुप्रीम कोर्ट में, और एग्ज़ाम्पल दिया था इंदिरा साहनी केस 1992 का। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये उसके जो रिजर्वेशन वाले क्राइटेरिया है उसको वायलेट्स करता है, क्योंकि 50% से ज़्यादा जो रिजर्वेशन होता है वो माना नहीं जाता है, और 27% ओबीसी कोटा, 15% एससी कोटा और 7.5% एसटी कोटा के बाद हमारे देश में टोटल जो रिजर्वेशन है वो 49.5% हो जाता है, और उसके बाद अगर 10% ईडब्ल्यूएस कोटा लगा देते हैं जनरल रिजर्वेशन वाला तो ये 59.5% हो जाता है, जो कि वायलेट करता है कि 50% से ज़्यादा कोटा नहीं होना चाहिए। और इसके बाद ये इस यूथ फॉर इक्वालिटी एनजीओ ने ये भी बोला था कि इस कोटे में हम कभी भी किसी रिजर्वेशन में इकोनॉमिक क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर कभी रिजर्वेशन नहीं दे सकते, हम ओनली कास्ट को देकर कर सकते हैं, और बहुत सारे एग्जांपल दिए थे। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है और बोला है कि इसी साल से रूल्स जो हैं वो अप्लाई होंगे। तो गाइज अभी इस वीडियो में इतना ही, ऐसी रेगुलर अपडेट्स हम आपको बताते रहेंगे, तो उसके लिए हमारा चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको नीट जेई और एम्स इन सभी मेडिकल एग्ज़ाम्स और इंजीनियरिंग एग्ज़ाम से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए या कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी नई नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।